There are four quantities shown in the table and find out whether x2 minus y1 divided by x2 minus x1 is constant. यहाँ पे आपको दो टेबल दिया हुआ है बुक के पेज नंबर 1 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को तो वहाँ पे आपको दो टेबल दिया हुआ है. टेबल ए में आपकी वैल्यू क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल आर. अगर सर्कल का जो रेडियस है वो आर जो है किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में. पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो किसमें दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर है लेकिन सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. तो वहां पे वो बताया हुआ है. ठीक है यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10. इसी तरह से सेकंड टेबल y1 y2 y3 y4 y5 की वैल्यू क्या दी हुई है 4π 8π 12π 16π 20π ये दी है. इसके बाद टेबल 2 देखिए. टेबल 2 में भी आपको रेडियस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आपको सेकंड वाले टेबल में पेरीमीटर की जगह पे क्या दिया है एरिया ऑफ सर्कल दिया है. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वो किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर है ना. इसकी वैल्यूज जो है x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और y1 y2 y3 y4 5 की वैल्यू 5 4 5 9 5 16 5 8 25 5. ये वैल्यूज हमें गिवन है. हमें इसे क्या करना है ग्राफ में ड्रा करना है. ठीक है ग्राफ पे ड्रा करना है लेकिन आपको ग्राफ पे जैसे कि अब आपको दो टेबल दे दिया तो जनरली आप क्या करोगे यहां पे दो ग्राफ बनाओगे लेकिन आपको इस टेबल को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे आप आपको मैम वॉइस ठीक से नहीं आ रही है. आप तो ड्रॉ करिए लेकिन जो क्वांटिटी है वॉइस नहीं आ रही है. यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है शो की गई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट वेदर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है. टेबल ए के लिए वैल्यू फाइंड करनी है. टेबल बी के लिए भी वही वैल्यू फाइंड करनी है. हमें गिवन है टेबल ए और टेबल बी y2 y1 की वैल्यू गिवन है x1 की वैल्यू गिवन है. सॉल्यूशन नंबर ए. ठीक है सॉल्यूशन नंबर ए हमें क्या गिवन है हमें x1 y1 टेबल ए के लिए हमें यहां पे गिवन है इक्वेशन y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 ये भी है y2 - y1 की वैल्यू. टेबल ए को देख के बताइए. टेबल ए में y2 की वैल्यू क्या है 8π और y1 की वैल्यू 4π डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ x2 4 वैल्यू ऑफ x1 2. तो यहां पे 8π में से 4π का आएगा तो कितना मिलेगा 4π डिवाइडेड बाय ओके टेबल से कैंसिल करें कितना मिलेगा आंसर इज 2π. सेकेंड इसी तरह से हम टेबल बी के लिए फाइंड करेंगे और टेबल बी के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 वैल्यू ऑफ y2 टेबल बी से लेके बताइए 4π वैल्यू ऑफ y1 5 डिवाइडेड बाय 2 - 1 तो हमें वैल्यू क्या मिली 2 - 1 3π डिवाइडेड बाय 1 हम इसे क्या लिख सकते हैं 3π हमें
हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एक की वैल्यू हमें 2π मिली, सेकंड की वैल्यू हमें 3π मिली। राइट डाउन करिए और यहाँ पे बताइए, देखिए यहाँ पे जो 2π है यहाँ क्या है, 3π है, क्या ये दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट का मतलब सेम है? नहीं है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है ना, कॉन्स्टेंट तो नहीं है। अगर जैसे कि यहाँ पे 2π मिला है, यहाँ पे 2π मिलता है, कॉन्स्टेंट हो जाता कि नहीं हो जाता? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट टेबल ए एंड टेबल बी इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आंसर लिखेंगे, आंसर करके इट इज क्लियर दैट टेबल ए एंड मैम वॉइस एकदम धीरे आ रहा है। मैम वॉइस एकदम धीरे आ रहा है। क्या हो गया? वॉइस धीरे आ रहा है मैम, एकदम वॉइस नहीं आ रही है मैम, धीरे आ रही है। वॉइस प्रॉब्लम किसको है मैम? वॉइस आपकी धीरे आ रही है। वॉइस मेरी वॉइस तो क्लियर है बेटा, यहाँ से तेज ही है, वॉल्यूम फुल है मेरे मोबाइल का। गुड मॉर्निंग मैम, इसको लिख लीजिए फिर ड्रैग ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे हम y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे z एक्सिस। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। ये इसका क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताइए x एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करें, 1 2 3। ये वन है, हमें इधर लिख के दिया हुआ है x1 x2 x3 की वैल्यू, मतलब वो x एक्सिस की वैल्यू है। तो हमारी जो x एक्सिस की वैल्यू है टेबल ए में देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 10 तक जा रहा है, और टेबल बी में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक जा रहा है। मतलब हमें कैसे लेना होगा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8
कौन क्या पूछ रहा था, पूछो अब। नो मैम। शांति से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। क्या फिर 2 by 4 by 10 6 by 8 by 10 by 11 by 14 by 15 by 18 by 25 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
ठीक। अगर अब हम इस वाली लाइन को स्ट्रेट लेके जाते हैं तो यहाँ से देखिए हल्का सा जिगजैग हो रहा है, थोड़ा ही नहीं, मतलब ये लाइन उस वाली लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसकी पॉइंटिंग कर देते हैं 1.5 सेकंड, 2.45 1 centimeter. यस मैम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें क्या पूछ रहा है? द टेम्परेचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर डे इन अ सिटी आर शोन इन द ग्राफ. यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे आपको सिटीज दी हुई है, उनका टेम्परेचर पर्टिकुलर डेट, मतलब जैसे कि आज 26 है, 26 के बाद नेक्स्ट डेट 27, मतलब जुलाई का जो वेदर है, कहीं का भी वेदर, सिटी का वेदर जो है उसका टेम्परेचर, जैसे कि बताया रहता है ना, आप वेदर में चेक करते हो तो आज का टेम्परेचर आपने बताया है, कल का भी टेम्परेचर बताता है. तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि सिटी का टेम्परेचर आपको बताया गया है ग्राफ के थ्रू. यहाँ पे आपको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ. ग्राफ के बेस पे आपको क्या करना है? दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 6 AM. यहाँ पे सिटी का जो टेम्परेचर है 6 AM पे क्या है? तो अब आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, दो ग्राफ दिया हुआ है ना? तो सेकंड वाले ग्राफ में मत जाना क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन पूछा है, तो पॉल्यूशन वाले ग्राफ पे अभी आप नहीं जाएंगे, वो दूसरा ग्राफ है. इस वाले ग्राफ को देखिए, ऊपर में जो ग्राफ दिया है ना, 6 AM पे कितना है? 23 कंफर्म? यस सर, 23 या 24 आप दोनों ही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 3 PM इन द आफ्टरनून. दोपहर के 3 बजे सिटी का टेम्परेचर कितना है आपको ये बताना है. देखिए कितना है, ये दोपहर का 3 बज रहे हैं, कितना है? 24. कहाँ है 24? यहाँ है ना, 31 है. AM का मैम, 3 PM पूछ रहा है, आफ्टरनून 30 के ऊपर है, 30 के ये ठीक ऊपर है. स्केल रख के देखिएगा. यस मैम, ये देखिए, अगर आप स्केल रखते हैं तो ये 30 हो गया और 30 के एक लाइन ऊपर है, मतलब ये 31 होगा. क्लियर हुआ? Yes. अगर स्केल रखे हो आप लोग तो स्केल देखिए, वो 31 उसका आंसर है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम वाज द टेम्परेचर, सॉरी एट व्हाट टाइम वाज द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. कौन से समय पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है? 6 PM. 9 PM पे है. ये 31 है, ये वाला है, तो ये किस पे जाएगा? 6 PM पे है. आंसर देखो अच्छे से, देखा आप लोगों को? क्लियर है? यस मैम. यस मैम. 12 PM में कैसे आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव बीन द टेम्परेचर एट 12 midnight. आधी रात को जो टेम्परेचर क्या है आपको पूछ रहा है? 12 midnight क्या होता है? AM होता है, PM. AM. तो 12 AM की वैल्यू आप बताइए क्या है? 26. हाँ, एक ऊपर नीचे लिख सकते हो. हाँ ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 PM इन द नाइट. रात के 9 बजे टेम्परेचर कितना है? तो ये रहा हमारा रात का 9 किसे बोलते हैं? PM को, AM को? रात का 9 PM. PM तो 9 PM और उसकी वैल्यू कितनी है? 29 से ऊपर, 28 degree. 28 29 देख सकते हो. क्लियर हो गया? इसके बाद एज इट इज क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10. इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर.
ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और ये आपका ग्राफ चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। थैंक यू।